हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने ना कुछ अमेज़ोन से मंगाया है, तो जैसे ही आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ उसको यूज़ करके कि सामान वो कैसा है। जो मैंने मंगाया था वो आ चुका है और ये क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूज़ करने के बाद पता लगेगा कि कैसा है। तो ये ना रोटी सेकने के लिए या फिर आप कुछ ग्रिल वगैरह करते हैं जैसे बैंगन वगैरह या सब्जी वगैरह उसके लिए है। तो मुझे भरता वगैरह ना ग्रिल करने के लिए चाहिए था, तो उस पर्पस से मैंने मंगाया है। और फिर ये शाम के टाइम का है, हम लोग थोड़ा सा घूमने गए थे, किसी के घर गए हुए थे। तो हरली नीचे बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है। और फिर ये नेक्स्ट डे का है। ये अमृत भंडार, ये गंजीपुरा में है, विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने। 1990 की ये दुकान है और यहाँ पे ना बंगाली स्वीट्स बहुत ही यमी मिलते हैं, बहुत टेस्टी। मुझे यहाँ का रसगुल्ले वगैरह, सौंदेश और मीठी दही, वो जो मटके में आता है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है बट मुझे पता है। और ये सिर्फ यहाँ इनके ही दुकान में मिलता है। और एक खजूर गुड़ आता है जो बिल्कुल टेस्ट में डिफरेंट होता है, वो खीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ में होता है, तो वो सब यहीं से मिलता है। और ये तस्दीक मैडम बाहर वीडियो बना रही थी बाहर का। है बड़े फुआरे में भीड़ दिवाली के टाइम पे। अब आती है बाई जनरल स्टोर के जो बड़ा फुआरा है, तो उनके ग्रॉसरी के जो ऊपर क्रॉकरी के नीचे, तो काफ़ी ये दुकान काफ़ी पुरानी है इनकी, लेकिन अभी ऊपर तरफ ना इन्होंने एक शॉप ओपन किया है क्रॉकरी सेट वगैरह का। और इनका दावा है या इन्होंने इनका ऐसा कहना है कि पूरे जबलपुर में इससे ज़्यादा सस्ती क्रॉकरी और इससे ज़्यादा इतनी वैरायटी और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो मैं भी यहाँ से कुछ परचेस वगैरह मैंने भी किया है, तो मुझे भी रेट वाइज काफ़ी अच्छा लगा। तो जो नहीं जिनको पता है इस दुकान के बारे में, सो जाइए आप और एक बार लेना हो चाहे ना लेना हो, बट एक बार जाके आप देखिए। आई एम श्योर कि आपको पसंद आएंगे इनके कलेक्शन जितने भी हैं। तो ये अब मैं आ गई हूँ ऊपर की तरफ और ये है इनके पूरे क्रॉकरी के कलेक्शन है। तो दिवाली के टाइम पे काफ़ी लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ बहुत कुछ नया सामान वगैरह चाहिए होता है। तो आप एक बार और कहीं दुकान जाने से पहले एक बार इस दुकान में जाइए और देखिए इनके जितने भी कलेक्शन हैं, काफ़ी अच्छे लगे। मुझे तो अच्छे लगे पर्सनली, बट आप भी अगर कहीं आसपास रहते हैं और इनको जिनको इस दुकान के बारे में नहीं पता हो, तो ये इनकी दुकान बड़े फुआरे में है। जैसे आप बड़े फुआरे में पहुंचेंगे ना, फुआरे के पास पहुंचेंगे, वहां से आपको बस आप बड़े फॉर में खड़े हो क्या, आप चारों तरफ देख लीजिएगा, आपको प्रदीप स्टोर्स करके
दिखाई देगा, पता लग जाएगा अलग से ही दुकान है। नीचे पूरे पुरानी दुकान है इनकी, और ऊपर की तरफ है जो इन्होंने अभी 10 दिन पहले ही ओपन किया है, ओपनिंग की हुई है। तो बड़े फौरे में ही रतन हैंडीक्राफ्ट करके एक दुकान है, जहाँ पे आपको सिर्फ इस तरह की टोकरियाँ हैंडमेड और रनर वगैरह मिलेंगे, और सोफ़े कवर क्रोएशिया के मिल सकते हैं यहाँ से। तो मुझे यहाँ के सामान बहुत पसंद हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ से काफ़ी बार लिया है सामान, और काफ़ी मजबूत होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि हैंडमेड होते हैं। तो बस यही थी मेरी दिवाली की शॉपिंग थोड़ी मोड़ी, और यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया आज, तो थोड़ा मोड़ा ही लिया है। काफ़ी लोगों को इस दुकान के बारे में नहीं मालूम है। तो ये भी बड़े फुहारे में कमानिया गेट के जस्ट सामने में ही है। मैंने शॉपिंग करके आ गई थी और काफ़ी कुछ मैंने लिया। और तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।